अर्चना अनोखे जी हैं जो साइंटिस्ट हैं बहुत अच्छी और बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च भी करती रहती हैं और बहुजनों की आवाज़ भी उठाती रहती हैं। अर्चना जी, बहुजनों के ऊपर आप आवाज़ भी उठाते रहते हैं, जो अभी एजुकेशन है आपको क्या लगता है, जैसे आप तो एक साइंटिस्ट बन गए लेकिन अभी भी बहुजन की जो बिटियाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको शिक्षा तक का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि बाबा साहब के आज हम लोग एक तस्वीर के नीचे हैं और बाबा साहब ने सबको बराबर का अधिकार दिया था, तो वो कैसे, हाउ टू इज़ द पॉसिबल, वो बताएं। या इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेपन थ्रू विच द सोशल रिफॉर्मेशन कैन बी ब्रॉट। एंड मुझे लगता है कि जो हमारी तरह एम्प्लॉई हैं या हु हैज़ गॉट एक्सेस टू द एजुकेशन एंड लिटिल मोर एक्सेसिबल टू द रिसोर्सेज, दे शुड मोर कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड ब्रिंग अवेयरनेस, बिकॉज हम एक बार किसी जगह में पहुंच जाते हैं तो हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू द सोसाइटी फ्रॉम वेयर वी केम एंड फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, बिकॉज इट्स एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। And if you do not contribute to anywhere, so you can contribute through the education even without investing anything on it. If I don't invest anything and I just go to the university and I just educate and give information about what all our exam and all things are there, so that also can contribute in one or other way. Arjuna ji, Baba sahab ne ek baat kahi thi ki pay back to society ke antargat kaam karna chahiye logon ko, aur wo log nahi karte hain, jiski wajah se aapko nahi lagta ki bahujan movement kafi piche hota ja raha hai, kyunki usko kuch na kuch contribute karna chahiye, है ना, चाहे आपके पास समय है, चाहे टाइम है, चाहे पैसा है, तो बहुजन मूवमेंट के लिए वो कार्य करना चाहिए। कहाँ तक लगता है कि ये लोग करते हैं नहीं करते, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी आप ही बताएं। यस, आई डू एग्री विथ योर स्टेटमेंट सर, क्योंकि मुझे लगता है कि देर आर पीपल इन अ डिफरेंट सेक्टर, चाहे किसी के पास मनी है, किसी के पास एजुकेशन है, किसी के पास कुछ है, तो इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जिस भी सेक्टर में, जहाँ भी उनसे थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाए, तो दे शुड कंट्रीब्यूट। एंड फॉर देट वॉट इम्पॉर्टेंट इज़ टू फीलिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एक इंसान चेंज नहीं ला सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम एंड मेनी मोर लेजेंडरीज आर देयर विथ अस एज एक्सेम्पलरी एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं, हम इफ़ आई स्टार्ट विद द इंडिविजुअल एंटिटी सो आई कैन कंट्रीब्यूट टू द माइंड सोसाइटी एंड फ्रॉम बेसिक लेवल, एंड धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे लोग और कारवां बढ़ता जाएगा, तो वन शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ अ प्राइम कंसर्न। आपसे वैसे अर्चना अनोखे जी अपने नाम के साथ ही अनोखे हैं और बहुजनों की बहुत अच्छे से आवाज़ भी उठाती है और बहुजन मूवमेंट पे लगातार काम भी करती रहती हैं। उन्होंने लेकिन एक बात कही थी बाबा साहब के लिए कि मैं निकला था अकेला, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आज बहुजन समाज के लोग इस छत के नीचे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बाबा साहब का कितना बड़ा स्टेचू है, जहाँ पर बाबा साहब को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनकी परछाई से लोग डरते थे, उनके साथ नहीं बैठते थे, उनका कोई नाई बाल भी नहीं काटता था। आज सभी लोग यहाँ पर वातानुकूलित एटमोसफेयर के अंदर, पूरे एसी उसके अंदर यहाँ पे लोग खुले होके घूम रहे हैं और सूटेड बूटेड घूम रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से हो पाया है। आज एक साइंटिस्ट मेरे साथ खड़ी हैं, ये भी बाबा साहब की वजह से बन पाए, लेकिन ये सब को आगे भी बनाने के लिए, आप अपनी जनरेशन, अपने लोगों के लिए कंटिन्यू काम करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत आप लोगों को सबने काम करना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी यही नहीं होता कि आप सिर्फ पैसे दे के उनको सफल कर सकते हैं, आपके पास समय है, आपके पास टाइमिंग है, आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहें अपने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये सभी को लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी इस देश के अंदर जिसे 85% कहा जाता है, मूल निवासियों का देश कहा जाता है, तभी बन पाएगा ये बहुजन समाज का, मूल निवासियों का देश पूरा। अनिता जी, आपने हमारे से बात करी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।